आप देख रहे हैं वेतन सा। और दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में बताएंगे कि चीक का आना शुभ है या फिर अशुभ। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारा अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों साथ ही आप बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चल जाए। दोस्तों आपने जरूर नोटिस किया होगा या अपने घर के आसपास कभी अगर लोग छींक जाएं तो लोग आपको बड़ी बुरी नजर से देखने लगते हैं, जैसा कि ना जाने आपने क्या गलत काम कर दिया है। कहते हैं कि किसी काम की शुरुआत करने से पहले छींक आना अशुभ होता है और आपके छींक के आ जाने पर अपना काम तुरंत रोक भी देते हैं। अगर आप सच में छींक आने के बाद ऐसा करते हैं तो आप अनजाने में किसी शुभ समय को गवा रहे हैं। क्यों दोस्तों, सोच में पड़ गए ना, भला कैसे। दरअसल ज्योतिष शास्त्र में छींक का आना बहुत ही अशुभ नहीं बल्कि शुभ माना जाता है, बशर्ते छींक किस समय आ रही हो। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि किस समय छींक का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। बहुत से लोग नए कपड़े पहनते समय छींक आने पर यह मान बैठते हैं कि इससे कपड़े जल्दी खराब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार छींक का आना खुशी की ओर संकेत करता है, जिसका मतलब होता है कि जल्द ही आपको नए कपड़े मिलने वाले हैं। वहीं अगर काम पर जाते समय किसी के छींकने पर हम मानते हैं कि काम पूरा नहीं होगा, जो वाकई एक गलतफहमी है, बल्कि इससे काम के पूरे होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन हाँ दोस्तों, यह सत्य है कि शुभ समय पर छींक आना बहुत ही अशुभ होता है, लेकिन उस समय एक साथ दो छींके अगर आ जाए तो समझ ले कि आपका काम अच्छे से होगा। यही नहीं, अधिकतर लोगों का मानना है कि मरीज के दवा देते समय छींक आना अशुभ होता है, बल्कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय छींक आने से मरीज के जल्दी ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। और दोस्तों बता दें कि अगर खाना खाने से पहले आपको छींक आ जाती है तो यह स्वादिष्ट भोजन मिलने का संकेत होता है। दोस्तों यह थे छींक के कारण, किस समय यह शुभ है और अशुभ। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद नहीं आया तो कृपया आप हमारी गलतियां हमें जरूर बताइएगा। हम जल्दी लौटेंगे एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।